हैं, शायद चेतक की कविता के लिए वो जाने जाते हैं, वीररस के लिए वो सिद्ध हैं, सबरस के कवि हैं। आप जैसा सुनना चाहें, मैं अजय अंजाम जी को आपके हवाले सौंपता हूँ, निवेदन करता हूँ और मिलेश जी की पंक्तियों से कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। और साहिबों, हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। जोरदार तालियों से अजय अंजाम जी और रैया। माँ शारदे को प्रणाम करता हूं। समृद्ध मंच है, आदरणीय हेमदा की उपस्थिति है, अध्यक्षता है, उनके पावन श्री चरणों को नमन करता हूं। देश के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित हास्य कवि आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी हमारे बीच हैं, समुपस्थित हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। आदरणीय रुचि चतुर्वेदी जी देश का वो स्वर है जो जब राम का नाम गाती है तो राम स्वयं सुन रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जब वो देश का लोक लास्य गाती हैं तो ये लगता है कि ढोलक स्वयं मृदंग के रूप में अवतरित होकर के गीत गा रही है। ऐसी लोगों की उपस्थिति है, सभी के पावन चरणों को प्रणाम करता हूँ। बहुत गौरवान्वित हूँ आज। दो तीन साल पहले ये दृश्य हुआ करता था कि हम लोग साक्षी को पंकज भैया फोन किया करते थे, बिटिया आजा, मेरा एक मंच है, छोटा सा लिफाफा तुझे भी देंगे, कविता सुना देना, कुछ लोगों की तालियां मिलेंगी, देश में पहचान बनेगी। लेकिन जैसे एक बाप को गर्व होता है जब उसके बेटे बड़े होकर के ये कहते हैं पापा खाना बन गया है, आ थाली में से दो निवाले तुम भी खा लो, आज तब गर्व हुआ जब हमारी बेटी ने हमसे कहा मामा आइए मंच मैंने सजाया है, आप सबको आमंत्रित करती हूँ, निमंत्रित करती हूँ। बिटिया को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत शानदार, बहुत बहुत अभिनंदन, अद्भुत अद्भुत, वाह वाह वाह, क्या बात है दादा। एक बार जोरदार तालियां बजाई दीजिए। अच्छा, पीछे वाले नहीं बजाने, देखो भाई तालियां वालियां बजाते रहना चाहिए, जिंदगी में क्या है। हाँ, ये है ना, ये शेर बेटे बैठे हुए हैं, बजाओगे सब बजाओगे। होता क्या है कि जिंदगी में पंकज भैया हर चीज का कोटा फिक्स है, जितनी आपको सांसें मिली हैं उतनी सांसें लेनी ही पड़ेगी, जितनी आपके हिस्से में यात्राएं हैं वो यात्राएं आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही तालियां बजाने का कोटा भी फिक्स है, उतनी तालियां इसी जन्म में बजा लो, और अगर इस जन्म में चूक गए बाबू तो दोबारा ऐसा जन्म मिलेगा कि दरवाजे दरवाजे जाके बजाओगे, इसलिए यही बजा लो। हम लोग तो पंकज भैया बड़े कभी कभी परेशान हो जाते हैं। एक कार्यक्रम में हम लोग गए तो एक ऐसी सज्जन बैठे जैसे दादा भगवान अंगोछा डाल के बैठे, एकदम ऐसे जैसे शाहजहां सामने बैठा हो और अनारकली डांस कर रही हो, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो हम वहां कविता पढ़े, खूब सारी कविताएं, ये अमित संचालन कर रहा था, बहुत से चुटकुले सुनाए, पूरा मजमा तालियां बजाए, लेकिन दादा तालियां ना बजाए। तो हमने पूछ लिया उत्सुकता बात, हमने कहा दादा तालियां काहे नहीं बजा रहे हैं, तो दादा ने बड़े अभिमान के साथ कहा हम तालियां बजाएंगे, हम बड़े आदमी हैं, तालियां बजाने के लिए आदमी रखे हैं। हमने कहा हो सकता है इनकी बात सही होगी। भाई साहब, दो तीन दिन बाद मुझे उस शहर में जाने का मौका फिर मिला। इस बार गया तो मैंने देखा दादा बढ़िया, एकदम गजरा माला, हाथ में कंकन। मैंने पूछा सरकार क्या मौज है, बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हो। बोले यार अजय भाई मेरा ब्याह हो गया। मैंने कहा कब हुआ, बोले परसों हुआ, कल बीवी लेकर के घर आया हूँ। तो मैंने कहा यार गुरु हमारे यहाँ तो ये होता है, नई शादियां होती हैं, लोग हनीमून पे जाते हैं, आप नहीं गए। बोले नहीं नहीं, हमने कहा आपके यहाँ होता नहीं हनीमून। बोले होता है। तो हमने कहा आप, बोले हमारी बीवी गई है। हमने कहा आप, बोले हम नहीं गए। हमने कहा क्यों, हम बड़े आदमी हैं। तो ये सजरा मत करिएगा, पूरा पंडाल एक बार तालियां बजाते रहते। ये भी अमित बता रहा था तिरंगे के पांच रंग होते हैं, ये होते हैं पांच रंग होते हैं। ये खुद बड़ा अद्भुत विद्वान है, देश का बड़ा लाडला संचालक है। एक बार मैं इसके यहाँ पहुंच गया और मैंने कुंडी खटकाई, मजा लेना इसकी विद्वत्ता का। मैंने कहा घर की कुंडी खटका के, मैंने कहा अमित, अमित बाहर आया, बोले अंकल प्रणाम। मैंने कहा नमस्ते, अपने पापा को बुलाओ, अब इसका जवाब सुनना और अगर बात सही लगे तो जरा इस कार्यक्रम को महोत्सव तब्दील करना। अभी वो ऊर्जा वो एनर्जी महसूस नहीं हुई हम लोगों को, जिसके लिए हम लोग वांछित रहते हैं, सोचते रहते हैं। जैसे ही मैंने पूछा भैया, मैंने कहा अमित अपने पापा को बुलाओ, तो इसने मुझसे जवाब पलट के क्या दिया पता है, बोले अंकल कौन वाले पापा।
यार मैंने कई अद्भुत आदमी हूँ, बाइक के मॉडल होते हैं, कार के मॉडल होते हैं, घर भी दो तीन हो सकते हैं इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में, पाप तो एक ही होता है, ये तू कौन वाले पापा का क्या मतलब? बोले नहीं अंकल जानते नहीं हो आप, बाप भी पांच होते हैं। अब मैं हतप्रभ, मैंने कहा यार मैंने तो जिंदगी में एक ही सुना, ये कहां से पांच बता रहा है? मैंने पूछा बेटा कैसे? बोले अंकल सुनो, और अगर आप लोगों को भी लगे कि विद्वान बच्चे ने बात सही कही तो हर नाम पर आपकी तालियां चाहिए। बोले पहला बाप तो वो जिसने हमको पैदा किया है, जिसके चरणों की रज माथे पर रख करके हम बड़े होते हैं, पहला बाप। मैंने कहा ये तो बात ठीक है, ये तो हम जानते हैं, पहला तो हमें भी पता था, तू तो दूसरा बता। ये बोला अंकल अंकल अपने पिताजी को पापा कहते हो, अपनी लुगाई के पापा को क्या कहते हो? मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, ससुर जी को भी पापा ही कहते हैं। मैंने कहा तू अच्छा तीसरा बता तो मैं मानूं। अब इसने जो तीसरा बताया वो तो भाई साहब अद्भुत था। इसने कहा कि पहला वो जिसने आपको जन्म दिया, दूसरा वो जिसने लुगाई को जन्म दिया। मैंने कहा तीसरा? बोले तीसरा वो जो नीली छतरी में बैठता है और जिसको सारी दुनिया अपना पिता कहती है, अपना बाप कहती है, जिंदाबाद। मैंने कहा ये भी सही है, चौथा चौथे में फंसेगा, लेकिन फंसा नहीं। मैंने कहा चौथा? बोले भाई साहब चौथे का तो ऐसा है कि जैसे आपने पहला पिता वो जिसने अपने को जन्म दिया, दूसरा वो जिसने लुगाई को जन्म दिया, तीसरा वो जो नीली छतरी में रहता है, और चौथा? बोले भाई साहब कौन सा धर्म मानते हो? हमने कहा अरे हमें गर्व है सनातन धर्मी है, हिंदू धर्म मानते हैं। तो गाय को क्या कहते हो? हमने कहा माता कहते हैं। तो बोले गाय अगर माता है तो जो योगी जी ने छुड़वाए हैं वो कौन लगता है? बहुत अच्छे, अभी तालियां कमजोर है आपकी, बहुत अच्छे दादा, अभी कमजोर है, अभी मजा आया ही नहीं, जरा दोनों हाथ उठा करके पूरा पंडाल एक बार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, तालियां गलत जगह बजा दिया, पांचवें पे बजाना। मैंने कहा बेटा पांचवा? बोले भाई साहब चौथा वो अगर गाय को आप माता कहते हो। मैंने कहा पांचवा बता। बोले चाचा मेरी अम्मा ने कही है जब गर्ज फट जाए तो गधे को भी बाप कहना चाहिए। तो ऐसा विद्वान बालक अब बड़ा हो गया है। अब बताइए आपसे कह रहा है तालियां बजाओ तालियां बजाओ, ये बरमदा का यहाँ के लोग हैं, रानीगंज के लोग हैं, ये बड़े चतुर हैं। अभी हम लोग इलाहाबाद से आ रहे थे, पंकज भैया तो तीन लोग मिले, एक अमेरिका का, एक जापान का, और एक आप में से कोई आपके गांव का। अब वो तीनों चाय पिए। भाई साहब बैठ जाओ, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बिल्कुल सही समय पे आए हैं, गलती हमारी है, हम जल्दी शुरू हो गए थे बस, और कोई बात नहीं, बहुत बहुत अभिनंदन। तो वो तीनों भैया चाय पिए, अब अमेरिका वाले ने चाय पी और कप सीधा रख दिया, जापान वाले ने चाय पी कप उल्टा रख दिया, और बरहदा वाले ने चाय पी उसने आड़ा रख दिया, आड़ा डंठल ऊपर। अब मैंने तीनों से पूछा, मैंने अमेरिका वाले से पूछा, मैंने कहा भाई ये बता तूने कप सीधा क्यों रखा? तो अमेरिका वाला बोले हम कर्टसी वाले लोग हैं, वी आर मैन ऑफ कर्टसी, अगर आपके पास चाय और हो तो हमें दे दो, इस आशय से ऐसा। हमने जापान वाले से पूछा बोले उल्टा क्यों रखा? जापान बोला वाला बोला इसलिए उल्टा रखा कि अब हमको चाय नहीं पीनी है, इसलिए उल्टा रख दिया। अब बरहदा वाले से हमने पूछ लिया, हमने कहा ये आड़ा आड़ा काहे रखा? बोले आड़ा इसलिए रखा है भाई साहब कि अगर होए तो दे दो, ना होए तो रहन दो। तो ये होशियार लोग हैं भाई साहब, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सबसे ज्यादा प्रणाम आप जैसे जानदार और शानदार लोगों को करता हूँ। एक बार हम लोगों को आशीर्वाद से नवाज दीजिए, जिस 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 मन से हम आपकी सेवा करने आए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पावन मंच है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की झांकी हम जब भी देखते हैं तो हमारे अंतःकरण में जो भाव उद्दीप्त होते हैं उन्हीं भावों की पराकाष्ठा आज उस वक्त हुई जब हम पंकज भैया के पुरखों के द्वारा बनवाए हुए और उनके द्वारा संवर्धित किए हुए भगवान श्री राम के मंदिर में गए और यहाँ खड़े होकर के रोमांचित
फंगिमा के साथ मैं ये दावा कर सकता हूँ पंकज भैया कि शायद आपने अपने मन में अपना लक्ष्य छोटा तय किया होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विग्रह जिस प्रकार से विराजमान है, आपका लक्ष्य विधायक बनने का है ही नहीं, आपका लक्ष्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का है ही नहीं। आज ये ब्राह्मण बालक दोनों हाथ उठा करके घोषणा करना चाहता है, आने वाले समय में आप संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, संसद के रूप में हमारे बीच में। बिल्कुल सहमत। और जो प्रेम आपने पाया, कवि सम्मेलन सुनने के लिए इतनी देर कहाँ रुकते हैं, लोग आते हैं, खाना खाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं और धीरे से कल्टी हो लेते हैं, लेकिन ये आपके प्रेम की डोर है जो इतने लोगों को बांध करके रखे। मैं एक बार चाहता हूं कि दोनों हाथ गगन की ओर उठें और भैया पंकज जी के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाएं। क्या बात है, बहुत बहुत अभिनंदन। राम तो ऐसा नाम ही है भाई साहब, एक बार राम बुलाओ तो संबोधन होता है। क्या बात, ए राम, ऐसा लगता है जैसे अपने बेटे को बुला रहे हैं। वही राम अगर आप दो बार कह दो, राम राम, अभिवादन हो जाता है, भैया वाह, अभिनंदन हो जाता है। उसी राम को आप तीन बार कह दो, राम राम राम, संवेदन हो जाता है। किसी के साथ कोई अनहोनी हो तो हम यही कहते हैं राम राम राम, अच्छा नहीं हुआ। और राम के नाम में ही वो महत्ता है कि जब हम राम चार बार कह देते हैं, राम 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 राम, तो वो संकीर्तन हो जाता है। ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, राम राम का नाम खुद ही महाकाव्य है। बड़े कवि ने कहा, राम का नाम खुद ही महाकाव्य है, कोई बन जाए कवि सहज संभाव्य है, कोई बन जाए कवि सहज संभाव्य है। ये सब आपको जोड़ने की मेरी कोशिश थी, आप मन से जुड़ गए हैं। मैं निवेदित करता हूँ, चार पंक्तियां माँ के चरणों में रखता हूँ। पंकज भैया बैठे हैं, अपने परिवार को, अपने माता पिता का स्मरण करने वाले। मैंने आते ही देखा पिता का नाम लिखा हुआ था सामने, मैं गर्व से भर उठा। चार पंक्तियां रखता हूँ कि माँ की जिंदगी में क्या अहमियत है। अगर आपके हृदय तक पहुंच सकूं तो तालियों से मुझे बता दीजिएगा, मैं ये तय करूंगा कि मुझे कितना पढ़ना है, कितनी देर यहां खड़े रहना है। आपकी तालियां तय करेंगे। चार मिसरे अपने मन के पढ़ता हूं, उसके बाद वो सुनाने जाता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। स्वागत है। यूं कहा कि यकीन मानो कजाओं की सलामी लौट जाती है। कजा माने मौत। यकीन मानो कजाओं की सलामी लौट जाती है, चली बंदूक से गोली इनामी लौट जाती है, चली बंदूक से गोली इनामी लौट जाती है। अरे दुआ में बैठ जाती है जो माँ पूजा के कमरे में, दुआ में बैठ जाती है जो माँ पूजा के कमरे में, मेरी दहलीज से गम की सुनामी लौट जाती है। जिंदाबाद, वाह वाह, सुनामी लौट जाती। वाह दादा वाह। चार पंक्तियां और पढ़ दूं इसी बिरादरी की? हाँ बिल्कुल, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं बजाते। एक बार पूरा सदन, जो बेटे बैठे हैं अपनी माँ को सम्मानित करते हैं, देवी के नजरिए से देखते हैं, जरा एक बार जोरदार तालियां बजा करके सूचित करें। यूं कहा कि हमारी फिक्र में, हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है। बेटा चार बजे छुट्टी होती है, चार बजे डेली घर आता है, किसी दिन 4:30 बज गए, माँ के माथे पर जो चिंता की लकीरें उभरती हैं पंकज भैया, उन्हें गीता का श्लोक और कुरान की आयत मान करके प्रणाम करता हूँ, पंक्तियां निवेदित करता हूँ। हमारी फिक्र में माथे पर सिलवट डाल लेती है, हिफाजत को हमारी खुद पे संकट डाल लेती है, न जाने कौन सा रिश्ता है बूढ़े पेड़ से उनका। पंक्तियां जरा सलीके से सुन लेना, बाकी तो मैं आपको जबरदस्ती सुना दूंगा। ये पंक्तियां भावना की कोमल पंक्तियां। अगर आपने कभी ये मंजर देखा हो, मेरे गांव में मेरे बाबा ने एक पेड़ लगाया था पंकज भैया, मैं छोटा था तो माँ तर्जनी पकड़ के ले जाया करती थी, और उस पेड़ के नीचे जब निकलती थी तो सिर पर पल्लू कर लिया करती थी, आंचल कर लिया करती थी। मैं आज तक रिश्ता नहीं समझ पाया कि बाबा के लगाए पेड़ से मेरी माँ का रिश्ता क्या था। उस अंचल को देख करके 24 साल बाद जो पंक्तियां लिखी, निवेदित करता हूं। हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है, हिफाजत को हमारी खुद पे संकट डाल लेती है, न जाने कौन सा रिश्ता है बूढ़े पेड़ से उनका, यहां से माँ गुजरती है तो घूंघट डाल लेती है।
यहाँ से माँ गुजरती है, क्या दृश्य है, वाह 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 दादा, यहाँ से माँ गुजरती है तो घूंघट डाल लेती है। पंकज भैया चार पंक्तियां और आपको समर्पित करना चाहता हूं। है। आप कोई नहीं बल्कि इस पूरे पंडाल में जितने भी खुददार लोग बैठे हुए हैं, अगर लगे कि अजय अंजाम ने आपके दिल की बात कह दी तो आपकी तालियां एक बार फिर से मांग लें। स्वागत है। अगर जिंदगी की सच्चाई लगे तो बस मुझे आशीर्वाद दे देना, सुनिएगा। स्वागत है। रिश्तों के तजुर्बात की सूरत बनी है अब, रिश्तों के तजुर्बात की सूरत बनी है अब, खुद से ही मेरी जंग के जैसी ठनी है अब, मैंने ही खानदान के खातिर ली दुश्मनी, मैंने ही खानदान के खातिर ली दुश्मनी, मुझसे ही खानदान भर की दुश्मनी है अब, मुझसे ही खानदान भर की दुश्मनी है अब। क्या बात, बरहदा के देशभक्त लोगों, मैं अपने रूप में आना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चार पंक्तियां पढ़ के परीक्षण करना चाहता हूँ पीछे बैठे हुए नौजवान देशों के लोगों के मन में, नौजवान दोस्तों के मन में देशभक्त की आग कितनी प्रबल है। हिंदुस्तान में जहां कहीं भी पंक्तियां पढ़ी, नौजवान दोस्तों ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं। मैं नहीं जानता बरहदा के लोग कैसे सुनेंगे, कोशिश मैं कर रहा हूं, काफी आपको जांचनी है, सुनिएगा। कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, बोल भी रहा है जब से जा रहा 370 हटी है। निवेदन करता हूं, कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे मातरम बोलेगा, जिस दिन भारत माँ के बेटे अपनी पर आ जाएंगे, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा वंदे मातरम बोलेगा। अभिनंदन करता हूं, जिंदाबाद भारत माता की, वाह 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 वाह, अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इतने बढ़िया श्रोता, महानगरों में कवि सम्मेलन हम लोग पढ़ते हैं लेकिन लोग हाथ बांध के बैठे रहते हैं। आज आपने जो पंक्तियों की रक्षा की है, मैं कहता हूँ इस हिंदुस्तान में या तो कविता के आयोजन बंद हो जाए या वहाँ सामने बैठने वाले श्रोता आप जैसे शानदार, तब कविता पढ़ने का मन होगा। क्या बात है, चार पंक्तियां और पढ़ दूं इसी तेवर की। स्वागत। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, आवाज जोर वाली चाहिए। स्वागत है। स्वागत। इस देश में कुछ लोग कहते हैं कलेजे पर चाकू रख दो हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कौन कहता है भाई साहब, कोई कहता है, कौन कहता है? अबे डरते हो क्या यार नौजवान दोस्तों, वो हैदराबाद का है कोई, आप लोग का तो प्रोनंसिएशन अच्छा है, उच्चारण अच्छा है, ओवैसी बोल लेते हो। मैं जितनी बार कोशिश करता हूँ ओवैसी बोलने की, मेरे मुंह से मवेशी निकलता है। वो कहता है कलेजे पे चाकू रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अजय अंजाम बरादा के नौजवान दोस्तों की जमानत पर एक पंक्ति पढ़ना चाहते हैं और आपका यही उत्साह एक बार फिर देखना चाहते हैं, सुनिएगा। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा। मैंने कहा बेटा हैदराबाद से एक बार बरहदा आ जा, ये बरहदा के लौंडे मारते कम है घसीटते ज्यादा है, पता लग जाएगा। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा और काल पर पड़ जाएगा, छाप भी जय जय बोलेगा। अरे जिस दिन बरहदा के ये लड़के छाती पर चढ़ जाएंगे, तेरी क्या औकात है तेरा पाप भी जय जय बोलेगा, तेरी क्या औकात है तेरा। सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिंदाबाद। ऐसे जीवंत लोगों के बीच कविता पढ़ने का मन होता है। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ, देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे, कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज, हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे, बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को कालिका कराल लगने लगे। अरे ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात,
बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। क्या बात है।